हेलो सर, मैं पूजा अग्रवाल हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोनपुर, और मेरा घर बांकीपाली में है। मेरे पापा का नाम भागीरथी अग्रवाल, मेरी मम्मी का नाम अनिता अग्रवाल। मैं यहाँ पे मेडिकल कोचिंग करने के लिए आई थी कोटा, और अभी लॉकडाउन के चलते मैं घर भी नहीं जा पाई। लास्ट मोमेंट पे मेरा ट्रेन था लेकिन वो कैंसिल हो गया लॉकडाउन के चलते, और अभी मुझे घर जाना है। हाँ, वैसे भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के, एमपी के, फिर उत्तराखंड के भी बच्चे जा चुके हैं, एमपी के भी बच्चे जा चुके हैं, तो मेरा हॉस्टल ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। मेरे फ्लोर में तो मैं अकेले ही हूँ। बहुत डर लग रहा है, कोई इनको तो कोई परवाह भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट नहीं आ पा रहे हैं, बस नहीं भेज पा रहा है, डिस्टेंस हमें समझ पा रही हूँ कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट मुझे परमिशन दे दें मेरे पेरेंट्स को, ताकि वो आके मुझे यहाँ से ले जाएं। खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और अकेलापन तो बहुत लग रहा है। वैसे भी मैं एक लड़की हूँ यार, प्लीज़ समझो, आई नीड टू गो होम। यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे घर जाना है। यहाँ पर रह के अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ाई तो हो नहीं पा रहा है, मेंटल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, कोई है भी नहीं, सिक्योरिटी का तो नाम भी नहीं है, और पास वाले हॉस्टल में भी एक कोरोना पॉजिटिव निकल चुका है। डर तो बहुत लग रहा है। मेडिकल कोचिंग करने के लिए आए थे और अभी यहीं पे हम फंस गए हैं। प्लीज़ आई नीड टू गो होम, एटलीस्ट गवर्नमेंट मेरे पेरेंट्स को परमिशन दे दें, मुझे घर जाना है। नाम पूजा अग्रवाल, घर सुवर्णपुर जिला डुंगरीपाली ब्लॉक रामपुर थाना अधीनस्थ बांकीपाली ग्राम। बापा नाम भागीरथी अग्रवाल और माँ का नाम अनिता अग्रवाल। शुणिले तो से कौन कहते, मेडिकल कोचिंग करने राजस्थान कोटा सहर एक घर हॉस्टल रोचा, किंतु लॉकडाउन घोषणा होगा पर ठार से एवं एकाकी रोचर सुरक्षा तो दूर कथा, दिओली खावाकूब भल भाव मिलूना। घर मालिक जड़े असहाय झील को घर बाहरी जावाई जोर जबरदस्ती कर। सुवर्णपुर जिला टाणुआ नेता बलदेव प्रसाद बेदवा साहाज्यक्रमे से साहस जुटाई निज झू पाइबा आशा बांधि आज पूर्वाह सुवर्णपुर ठारे झीवों बापा माँ जिलापा द्वारस्थ होती। बापा जिलापाल मनीषा बानाजी को निज झी को राजस्थान कोटा सहर को निजे आनी लिखित भाव अनुरोध करते। लॉकडाउन को नहीं अनेक गुड़े प्रश्न उठी, सरकार लॉकडाउन घोषणा कले अनेक गुड़े त्रुटि रहीगला कि महिला मानंक सुरक्षा को नहीं डिमडिमी पिटुवा सरकार खुद निजे महिला मानंक सुरक्षा देवारे अवहेला करछन्ति कि एही भली अनेक गुड़िए प्रश्न एबे विरोधी महल एवं जनसाधारण चर्चार विषय पलटिछि। देखंतु सोनपुर जिल्लार पाखापाखि 120 रु 150 जन ब्रिलियंट छात्र छात्री कोटारे मेडिकल प्रिपेरेशन करुछन्ति, साइंस पढ़ुछन्ति, तांकर अवस्था बहुत कदर्ज्य रहिछि। सेठारे बाकीपाली गाँव जो पूजा अग्रवाल झीटा जी सेठे मेडिकल प्रिपेरेसन करुच्ची, जार फादर मदर कालीठू आसिक एसपी अफिस कलेक्टर अफिस एसपी अफिस बुले बुले नयांद होगले, सी सेठे जो हस्टेल रोच रिद्धि सिद्धि हस्टेल से जो यूपी एमपी और छत्तीसगढ़ झील मान सरकार नहीं गलापर से टोटाल एकला से झीटा से जगह अच्छे, सारा रात शो ना, सारा दिन जाक खावाक दौना, हस्टेल वाला तक खाली करने कहले से विषय से आसिक ये सोनपुर बुलूंज खरा तरारे, किंतु तार कथा सुनिबा पई केही ना राजी नाहंती। आमे दृढ़ दाबी करूछु राज्य सरकार होंतु कि जिला प्रशासन होंतु सामूहिक भावरे नहले भी केवल माने व्यक्तिगत भावरे से झियो को कम से कम जाइकिरे आनिबा पई तांकर गार्डियन को परमिशन दिया गले जाइकिरे भल हबो, नहले आज्ञा जदि छुआ मानकर केही किछि सेटारे असुविधा हुए ताहले जिला प्रशासन दै रहबे। मेरी बेटी अकेली है कोटा में, रिद्धि सिद्धि हॉस्टल में है, रिद्धि सिद्धि रेसिडेंट हॉस्टल में है, आप जाके चेक कर सकते हो। अपने फ्लोर में एक ही लड़की है मेरी, दूसरे सब बच्चे चल दिए ना, सुबह का नाश्ता कभी दे रहे कभी नहीं दे रहे, रात का दूध बंद कर चुके, शाम का स्नैक्स बंद कर चुके, दोपहर को जो लंच दे रहे आपको वीडियो में दिखा सकती हूँ, खाना लाइन भी नहीं है, रात का भी वही लाइक है, रात यहाँ तक मैगी बनाती थी कभी कभी वहाँ भी लॉक कर रहे, मैगी बनाने पर दो प्याज एक टमाटर चाहिए, वो भी हॉस्टल वाले अलाउ नहीं कर रहे, तो मेरी बच्ची करे तो करे क्या, मेरा भी इतना चल, मेरी बच्ची को मेरे को घर लाना है, मैं यही चाहती हूँ। कल मीट किए कलेक्टर ऑफिस आए, कलेक्टर बोले हम लोग कलेक्टर मीट भी नहीं किए, एसपी ऑफिस भेज दिए उनके बाहर से, एसपी ऑफिस गए वहाँ पे दो घंटा वेट किए, लास्ट में दो तीन ऑफिसर मिले हम लोगों से, मिलने के बाद में हम लोग को बोले 409 नंबर दिए, वहाँ से नियम आया है आप कलेक्टर ऑफिस आए, फिर कलेक्टर ऑफिस आए, वहाँ भी हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हुआ ना हम लोगों से कोई मीट किए, कुछ नहीं किए। लगातार में आज हमारे जो जिले के सरपंच हमारे एरिया के वो भी कॉल किए, उनका भी कॉल स्विच ऑफ कर दिया, लास्ट में हम लोग बलदेव भैया इनके पास है, बलदेव एडवोकेट के पास, ये लास्ट उपाय बोले आप लोगों का कोई नहीं सुनाई होगा, मीडिया ही सुनवाई होगा बोल के बोले, लास्ट में हम लोग मीडिया के शरण में आए हैं, हमारा बस कुछ कीजिए, हम लोग ऊपर नहीं ला सकते गवर्नमेंट तो हम लोग कहलाओगे, यानी तो मेरी बच्ची कुछ हो जाए उसके बाद हम लोग भी जी के फायदा नहीं है, हम लोग मर जाएंगे तो हमारे लाश का जवाबदारी कौन लेगा, हमारी मौत का जवाबदारी कौन लेगा, मेरे को इतना कहना है,
जान तो मेरे बच्ची वहाँ कुछ पढ़ लेगी, इतने बड़े लड़की को पढ़ाने का जवाबदारी कौन लेगा, कुछ हो जाएगा मेरी बच्ची तो लेगा कौन जवाबदारी, मेरे को इसका जवाब चाहिए बस।